पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर हल्द्वानी नैनीताल से गोवा की यात्रा पर निकला युवा। हल्द्वानी नैनीताल से निवासी भूपेंद्र सिंह मेहरा का कहना है कि आजकल कोई भी पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, जिससे हमें मिलने वाली शुद्ध ऑक्सीजन हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है। वहीं प्रदूषण भी काफी बढ़ रहा है, इसलिए पर्यावरण को बचाना जरूरी है। इसी संदेश को लेकर हल्द्वानी से गोवा तक की यात्रा पर वो निकले हैं। मैं असल में उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर से चला हूँ। 30 नवंबर एक मेरा मैसेज प्रयास है पर्यावरण को जीवित रखना, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ छेड़छाड़ अपने आप में घातक है। 2013 में उत्तराखंड ने भुगता है और लेटेस्ट अभी अगस्त में केरला ने भुगता है, क्योंकि जब इन चीज़ों का बैलेंस बिगड़ता है तो ये सब हमारा मानव तंत्र कर रहा है। ठीक है, विकास हो रहा है, देश को अच्छा विकास, लोगों ने चोरी चाहिए, चोरीकरण हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसके जो पेड़ हैं वो क्यों नहीं लगाए जाते, उनकी केयर नहीं होती है, क्योंकि पेड़ है तो उन लोगों का जीवन में तो कुछ भी नहीं। इस पर कितने लोगों ने अमल करा ये संदेश पर? ये संदेश पर तो 6 लाख से ऊपर लोग मेरे फॉलोवर बने हुए हैं। व्हाट्सएप, गूगल, उसमें यूज किया है। फॉलोअर्स का कोई रोल नहीं है इसमें, पर्यावरण को लेकर आपने अवेयरनेस किया, मेरे मैसेज को लाइक किया है, कितने लोगों को जागरूक करा और आपने रिटर्न में जाते हुए उनको देखा कि हाँ ये पेड़ों के लिए काम कर रहा है? पेड़ों के लिए कहीं कुछ नहीं हो रहा है, क्यों कहा जाए। अच्छा, आजकल रोडें चोरी हो रही, रोड में या तो 100 पीस पेड़ लगा देते हैं बसों के, रोड को 100 पीस जोड़ी बनाना है, कल के दिन उसमें चबूतरा बनेगा, लोग वहाँ विश्राम करेंगे, कहीं धक्के धक्के होते हैं तो वो पेड़ लगने चाहिए ना। आपकी ये संदेश यात्रा कितने किलोमीटर की होगी लगभग? ये 2700 समथिंग 2800, और इससे पहले टोटल मैंने 38,000 किलोमीटर का साइकिल टूर लगा चुका।